गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं क्लास सिक्स सोशल स्टडीज लेसन फाइव पार्ट टू पृथ्वी के परिमंडल। आज हम इसमें सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि महाद्वीप किसे कहते हैं या महाद्वीप होते क्या हैं। प्राचीन काल में जब हमारी पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था तो वायुमंडल के अंदर विभिन्न गैसे और सूर्य विभिन्न गैसे जलवाष्प धूमकण इत्यादि एक दूसरे के साथ सौरमंडल में विचर रहे थे, घूम रहे थे। तो जब ये एक दूसरे के संपर्क में आए तो बहरदार शरीर से घूमने लगे। यानी जैसे एक बवंडर आता है, आपने देखा होगा, ग्रेष्म काल में भी आता है और सर्दियों में भी कई बार आता है। तो इस बवंडर के माध्यम से वो उनका एक दूसरे के साथ मिश्रण हो गया। जब उनमें एक दूसरे के साथ मिश्रण हुआ तो वो एक जलते हुए पिंड के रूप में बन गया, यानी उसके अंदर आग का निर्माण हो गया। वो बाहर से तो ठंडा हो गया लेकिन जो बवंडर गति से घूमने की प्रक्रिया थी वो अंदर चलती रही। तो एक वायरिंग स्पोर्ट के साथ इसका विघटन हुआ। विघटन होने के पश्चात जब ये बाहर से बड़े बड़े टुकड़ा दूर तक इसने विस्फोट किया तो जो छोटे छोटे अंदर 2% भाग अलग हुआ, 98% घटा। उस 98% भाग था वो तो बना हमारा सूर्य, और जो 2% भाग अलग हुआ वो बने हमारे ग्रह। वह उपग्रह, उल्का पिंड, शुद्र ग्रह इत्यादि। इस दैट क्लियर? तो ये जब ग्रह अलग हुए तो जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर ही जीवन संभव कैसे हुआ? सूर्य से दूरी के कारण यहां पर जो थी तत्व थे उनमें ऐसा पाया गया कि जो जीवन के लिए इंपोर्टेंट थे। तो इस तरीके से हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। ये विभिन्न गैसे एक दूसरे के साथ संचालन करती रही करती रही। तब ज्वालामुखी विस्फोट में आग हवा ग्रेविटी थी, विभिन्न गैसों को इसने आकर्षित किया जिसके कारण वहां पर मूसलाधार वर्षा हुई। कहां पर? पृथ्वी पर। तो जो उठे हुए भाग थे, समतल मैदान थे, उनके चारों ओर जल का भराव हो गया क्योंकि लाखों वर्षों कंटिन्यूटी में वर्षा होती रही। और वो वर्षा का जल जब शाम उसको ठंडा किया तो उसका धरातल इस टाइप का बन गया कि जो इकट्ठा भाग था उसको कहलाया महाद्वीप और जो सागरीय भाग था उसको कहलाया महासागर। तो इसको हम कहते हैं पैंथलासा और ये होगा हमारा पेंजिया। यानी महासागर को पेंजिया कहा जाता है और महाद्वीप को पैंथलासा। इसके बाद होता है वायुमंडल का संघटन। अगर सरल शब्दों में हम महाद्वीप की डेफिनेशन देखें तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। इसके बाद आता है महासागर। पृथ्वी पर स्थित बड़े जलाशय महासागर कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर तथा अंटार्कटिक महासागर। इसके अलावा आपका अरब सागर अभी हाल ही में रूस के गणराष्ट्र में बैठे तो उसमें आपके अरब सागर को भी महासागर की काउंटिंग में रखा गया है। इसके बाद आता है जलमंडल। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल इन तीनों से मिलकर जिस मंडल का निर्माण होता है, जहां पर जीवन संभव हो पाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जलमंडल। तो आज के इस पॉइंट में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी एक अनोखा ग्रह क्यों है, भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के विषय में अध्ययन किया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास के बारे में अध्ययन करेंगे और अगर इसमें और इम्पोर्टेंट
भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।